तारीख को दोपहर में गुप्त सूचना मिली, मुफस्सिल थाना अंतर्गत कुछ व्यक्ति हथियार की खरीद बिक्री के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो SDPO सदर के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और जो सूचना थी उसके आलोक में छापामारी की गई। तो तेलिया तालाब के पास दो व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में पाए गए। उनके जब तलाशी लिया गया तो उनके पास से दो नए हथियार बरामद हुए, दो देसी पिस्टल, ये नए बने हुए हैं। और जब उनसे पूछताछ किया तो उन्होंने बताया कि हम लोग, एक उसमें से व्यक्ति गया जिला का रहने वाला था, जो यहाँ वर्धा का एक आर्म्स डीलर है परवेज़, उससे हथियार खरीदने के लिए आया था। तो उसी से उसने दो देसी पिस्टल खरीदे थे, करीब 56,000 रुपये में डील हुई थी। और जो पैसा था वो उसने पेटीएम के माध्यम से उसको ट्रांसफ़र किया था, उसका भी साक्ष्य हम लोगों को मिल गया है। दोनों के पास से पिस्टल बरामद हुई है। जो घटना में संलिप्त लोग हैं उन दोनों की अरेस्टिंग हुई है। इसमें एक अमरजीत कुमार है जो कि गया जिला का रहने वाला है, ये पिस्टल यहाँ खरीदने के लिए आया था। और जो यहाँ से जो परवेज़ है जो कि वर्धा का रहने वाला है, ये आर्म्स डीलर है यहाँ का, जो कि इनको सप्लाई कर रहा था पिस्टल। सर, ये अभी तक प्रारंभिक पूछताछ में मालूम किया गया है कि इस पिस्टल के जो कारीगर हैं उनसे ये पिस्टल खरीदा परवेज, और गया जिला का रहने वाला इससे संपर्क किया था अमरजीत, और ये आकर के यहाँ पे मीटिंग पॉइंट था, यहाँ पे इन्होंने आर्म्स की खरीद बिक्री करी और ये अमरजीत आगे ले जा करके उसको संभवतः इसको आगे बेचता। कितने की खरीद की थी ये? एक पिस्टल करीब 28,000 रुपये का है, तो 56,000 रुपये इन्होंने ट्रांसफ़र किए थे इनके पेटीएम अकाउंट में। सर, मैन्युफैक्चरिंग के पैसे फिर पूछताछ की काफ़ी देर, उसमें जो है हम लोगों को कई नाम सामने आए हैं और कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, उस पर भी काम चल रहा है और आगे उस पर भी काम करते हुए कार्रवाई की जाएगी। सर, ये होता है जो है हम लोगों के द्वारा पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार एक STF का कैंप इस्टेब्लिश किया गया है दियरा क्षेत्र में, टीकारामपुर दियरा क्षेत्र में STF का कैंप इस्टेब्लिश किया है। इसका पर्पस यही है कि जो अवैध हथियार के वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, खरीद बिक्री होती है, उसको पूर्णतः उस पर रोक लगाई जाए, और यही उद्देश्य के साथ एक कैंप सेटअप हुआ है और इसकी मॉनिटरिंग मुख्यालय से की जा रही है। SDPO सदर इसका नेतृत्व भी कर रहे हैं, लगातार उसमें कार्रवाई करते हुए इसमें सफलता मिलेगी। रिपब्लिकन न्यूज के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।